हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया होगा भाजपा का प्रमुख प्लेटफॉर्म। भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर मीडिया विभाग और आईटी विभाग के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक रविवार को न्यू पावर हाउस रोड स्थित भाजपा जोधपुर संभाग अटल मीडिया सेंटर में हुई। जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार की रणनीति पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक भाजपा सरकार की उपलब्धियों को प्रचार प्रसार करने का जिम्मा आईटी और मीडिया विभाग पर रहेगा। गुजरात गांधीनगर भाजपा के जनरल सेक्रेटरी कुनभाई देसाई ने गुजरात चुनाव के अनुभव साझा किए। भाजपा मीडिया सेंटर के कार्यालय प्रभारी मदन बुराना ने बताया कि भाजपा संभाग मीडिया प्रमुख अचल सिंह मेरतिया के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता में शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र ने की। आईटी विभाग के जिला संयोजक अरविंद सांखला ने आईटी विभाग के पदाधिकारियों का परिचय करवाया और प्रदेश आईटी विभाग की चुनाव की रणनीति से अवगत करवाया। बैठक में संभाग मीडिया प्रमुख अचल सिंह मेरतिया ने आईटी विभाग की टीम को भाजपा के केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने का आह्वान किया। आईटी विभाग के कार्यकर्ताओं को मंडलवार लाभार्थियों से और शक्ति केंद्र संयोजकों से संपर्क कर अधिक प्रचार करने का जिम्मा सौंपा। जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने बैठक में कहा कि ये विधानसभा चुनाव राजस्थान का भविष्य तय करेगा, इसलिए कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि प्रदेश की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में सरकार ने जो काम किया है विकास कार्यों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए, तो लाभार्थी है उनसे मिले। गुजरात गांधीनगर के जनरल सेक्रेटरी कुनभाई देसाई ने इस मौके पर गुजरात चुनाव में कार्यकर्ताओं के अनुभव बताए और कहा कि चुनाव में भाजपा मीडिया टीम और सोशल मीडिया टीम की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बैठक में सह प्रमुख दिनेश चौधरी, रमेश विश्नोई, अनिल वैष्णव, कार्यालय प्रभारी मदन बोराना, आईटी विभाग के हेमंत सोलंकी, मनोज गौड़, निखिल टाक, रिपेश अग्रवाल, सोमेंद्र माथुर, मुकेश शर्मा मीडिया सेंटर, हमीम खान, महेश पन्नू, युवा मोर्चा के मीडिया प्रभारी जितेंद्र शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता और पदाधिकारी साथ रहे। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।